व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल फ्रिटर्स। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने ना चिकन के 2-3 पीस ले लिए थे और मैंने उसे ना चाट मसाला, काली मिर्ची और नमक डाल के और लहसुन डाल के मैंने उसे अच्छे से कुक करने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे से पक चुका था उसके बाद मैं उसके रेशे कर लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी देखिए मैंने बारीक इस तरह से काट ली है। साथ में ये प्याज हम ऐड करेंगे। सब चीज़ें आप बारीक बारीक या तो कट कर लें या फिर आप ग्रेटर में इसको अच्छे से वो कर लें, ग्रेट कर लें। शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, एक मैंने शिमला मिर्च ली है, 2 मैंने तकरीबन हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा मैंने ये पुदीना लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। आप ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा बहुत ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ पोटैटोज़ को मैंने ग्रेटर पे अच्छे से ग्रेट कर लिया था। उसके बाद इसको पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो इसको इस तरह से हम अच्छे से निचोड़ के और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। पानी के साथ हम इसको ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है वो इसमें ऐड करेंगे, कोरिएंडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अच्छे से बेसन और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने नीड के हिसाब से इसमें बेसन ऐड करेंगे। आपको जैसे इजी लगता है वैसे करें। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉक या स्पून के साथ भी इसको अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ इसमें 1 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर रही हूँ। इसको ना तो हमने बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना ही बहुत ज़्यादा इसको हमने थिन करना है, एक नॉर्मल सा हमने बैटर बनाना है। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और अब हम 1 by 1 करके इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं लेकिन चूंकि ये इतना इसका जो बैटर है वो इतना पतला नहीं है कि जिसमें स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, हाथ से भी इजीली डाल सकते हैं। कुछ लोग बेसन ज़्यादा खाते हैं तो वो बेसन ज़्यादा ऐड करते हैं, तो आप चाहें तो बेसन ज़्यादा ऐड कर लें लेकिन ये थोड़े बेसन में अच्छे लगते हैं। मीडियम फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे, बहुत हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें स्पेस नज़र आ रही है हम वहाँ वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हमारी मज़ेदार चिकन वेजिटेबल फ्रिटर्स रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगनी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।